thank you बच्चों एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुणन गति के बारे में विभिन्न तथ्यों पर विचार किया था और उसके संदर्भ में हम लोगों ने जड़त्व आघूर्ण है ना कोणीय संवेग टॉर्क आदि का व्यंजक भी हम लोगों ने प्राप्त किया था तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परिता घूर्णन गति करती है तो उसका गतिज ऊर्जा किस प्रकार निर्धारित की जाती है तो चलिए आज हम लोग उसी को जानने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं इसका लिख देता हूँ कि घूर्णन गति है ना घूर्णन गति करते घूर्णन गति करते पिंड की गतिज ऊर्जा पिंड की गतिज ऊर्जा कैसे निर्धारित की जाती है तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे बच्चों घूर्णन गति करते पिंड की गतिज ऊर्जा कैसे निर्धारित की जाती है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों की एक अक्ष यहाँ पर बनाते हैं इस अक्ष का नाम है एक्स एक्स डैश है और ये कोई एक दृढ़ीय पिंड है मान लेते हैं इस पिंड का द्रव्यमान एम है और इसके गुरुत्व केंद्र से अक्ष की दूरी आर है है ना और ये पिंड जो है रेखीय बेग भी से जो है यह पिंड जो है रेखीय बेग भी से है ना इस अक्ष के परिता घूर्णन गति कर रहा है तो इसमें दिखा देता हूँ कि स्पर्श रेखी दिशा में इसका बेग कितना है भी है है न्पर्श रेखी दिशा में इसका बेग भी है तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ और साथ साथ ही हम ये भी बोलना चाहूँगा कि इस अक्ष के परिता इसका कोणीय बेग जो है ओमेगा है है ना इस पिंड का तो देखिए माना देखिए माना एम द्रव्यमान का है ना माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड है ना एम द्रव्यमान का कोई पिंड अक्ष है ना अक्ष एक्स एक्स डैश के परिता एक्स एक्स डैश के परिता घूर्णन गति कर रहा है घूर्णन गति कर रहा है एक्स एक्स डैश अक्ष के परिता घूर्णन गति कर रहा है देखिए पिंड का दृढ़ पिंड का दृढ़ पिंड का गुरुत्व केंद्र से है ना दृढ़ पिंड का गुरुत्व केंद्र से अक्ष की दूरी अक्ष की दूरी आर है अक्ष की दूरी आर है तथा तथा पिंड रेखीय बेग भी है ना रेखीय बेग भी तथा कोणीय बेग ओमेगा से रेखीय बेग भी तथा कोणीय बेग ओमेगा से है ना पिंड अक्ष के अक्ष के परिता अक्ष के परिता है ना घूम रहा है अक्ष के परिता घूम रहा है तो पिंड का हम लोग जानते हैं बच्चों कि पिंड का रेखिये गतिज ऊर्जा कितनी होगी रेखीय गतिज ऊर्जा पिंड का रेखीय गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है है ना अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक पिंड जो है रेखीय बेग भी से और कोणीय बेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है तो यहाँ पर भी और ओमेगा के बीच में एक संबंध होता है बच्चों हम लोग जानते हैं कि देखिए रेखीय बेग है ना रेखीय बेग भी तथा कोणीय बेग रेखीय वेग भी तथा कोणीय बेग है ना कोणीय बेग ओमेगा के संबंध से हम लोग क्या जानते हैं क्या क्या संबंध होता है बच्चों हम लोग जानते हैं कि संबंध भी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए हम लोग भी का वैल्यू को ऊपर में है ना बिठाएंगे रख देंगे तो यहाँ पर मिलेगा वन बाई टू एम और भी के जगह में आर इंटू ओमेगा बिठा करके इसका स्क्वायर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू उनको क्या प्राप्त होगा वन बाई टू एम ये हो गया आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि पिंड का जो जड़ तो आघूर्ण होता है I is equal to, उसका व्यंजक होता है MR स्क्वायर तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो MR स्क्वायर टर्म आया उसके बदले हम लोग I लिख सकते हैं बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर तो ये हमको व्यंजक प्राप्त होता है गतिज ऊर्जा का जहाँ I क्या है जहाँ I है ना देखिए पिंड का जड़त्व आघूर्ण है है कि नहीं पिंड का जड़त्व तो आघूर्ण है पिंड का जड़ तो आघूर्ण है बच्चों तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे तो ये क्या हो गया है ना घूर्णन गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक जिस प्रकार हम लोग रेखीय गतिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ एम भी स्क्वायर से देते हैं उसी प्रकार यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परिता यदि घूर्णन गति करती है तो उसका व्यंजक हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से देते हैं है ना ऐसे हम लोग बहुत कुछ जो, जो है जो कि रेखीय गति से संबंधित जो भी भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग हम लोग घूर्णन गति के संबंध में अलग अलग हम लोग दे, दे सकते हैं बच्चों तो इसको हम आप लोग समझ गए होंगे कि रेखीय ऊर्जा के संबंध में उसका व्यंजक हाफ एम बी स्क्वायर होता है वहीं कोणीय है? है ना आ, मतलब घूर्णन गति के संबंध में उसकी गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है गति का समीकरण को भी आप लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं देखिए घूर्णन गति या घूर्णन गति करते देखिए घूर्णन गति करते है ना घूर्णन गति करते पिंड का समीकरण या पिंड का गति का समीकरण हम लोग दे सकते हैं गति का समीकरण इसको हम लोग भी दे सकते हैं बच्चों तो मान लेते हैं बच्चों कि हम लोग रेखीय है ना रेखीय बेग में या रेखीय गति में रेखीय गति में गति का समीकरण है ना गति का समीकरण किस प्रकार देते हैं आप लोगों तो को याद होगा बच्चों गति का समीकरण समीकरण को एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है बच्चों आप लोग जानते हैं जहाँ भी जो होता है वो क्या होता है कि गति करते पिंड का अंतिम वेग है इसको फाइनल ब्लॉस्टी कहते हैं इसको इनिशियल ब्लॉस्टी कहते हैं और उसका एक्सल्रेशन होता है तो इसका समीकरण हम लोग कैसे देंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों की माना है ना माना घूर्णन गति करते देखिए घूर्णन गति करते है ना घूर्णन गति करते पिंड का पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग है कि नहीं प्रारंभिक कोणीय वेग प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है ना ओमेगा नॉट है तथा, ना तथा, तथा है ना प्रारंभिक वेग तथा अंतिम कोणीय वेग तथा अंतिम कोणीय वेग अंतिम कोणीय वेग कितना है है ना ओमेगा है ओमेगा तथा तूरण तोरण हम लोग जानते हैं अल्फा से इंडिकेट करते हैं कोनी तोरण अल्फा है तो गति का समीकरण को कैसे देंगे बच्चों तो फाइनल ब्लॉस्टी को पहले लिखा जाता है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ओमेगा को लिखेंगे और उसके बाद अंतिम है ना प्रारंभिक वेग लिखा जाता है डेट मीन्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हम लोग देते हैं तो ये समीकरण हम लोगों को गति का समीकरण प्राप्त होता है घूर्णन गति करते समय और दूसरा समीकरण आप लोग जानते हैं बच्चों कैसे देते हैं रेखीय गति के संबंध में दूसरा समीकरण हम लोग कैसे देंगे देखिए रेखीय गति है ना में गति का समीकरण रेखीय गति में गति का दूसरा समीकरण जिसको हम लोग विस्थापन का समीकरण भी कहते हैं उसको लिखते हैं इस प्रकार s बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर तो इसको भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं तो हम लोग जानते हैं बच्चों की घूर्णन गति करते समय कण का जो विस्थापन होता है उसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं जिसको हम लोग ठेठा से इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि कोणीय गति के संबंध में कोणीय गति के है ना कोणीय गति के संबंध में तो इसका हम लोग कैसे देंगे समीकरण तो एस के जगह में ठीठा कर देंगे और यू को हम लोग प्रारंभिक वेग माने हैं जिसको इंडिकेट करते हैं यू नॉट से एंड टी टी हो गया प्लस वन बाई टू यहां त्वरण है त्वरण कोणीय त्वरण को अल्फा से इंडिकेट किया जाता है और ये हो गया टी स्क्वायर तो दूसरा समीकरण को हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं वहीं और एक समीकरण आता है बच्चों हम लोग जानते हैं कि रेखीय गति के संबंध में एक समीकरण और होता है है कि नहीं रेखीय गति के संबंध में रेखीय गति के संबंध में एक व्यंजक हम लोग और देते हैं जिसका नाम होता है भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस होता है टू ए एस तो कोणीय गति के संबंध में यह व्यंजक को हम लोग किस प्रकार देंगे है ना कोणीय गति के संबंध में कोणीय गति के संबंध में इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी है अंतिम बेग है इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ये प्रारंभिक वेग है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हो गया टू ये रेखीय त्वरण है तो हम लोग को यहाँ पर कोणीय त्वरण अल्फा का प्रयोग करना होगा और ये एस जो है विस्थापन है इसलिए यहाँ पर हम लोग ठिठा देंगे तो ये चीज़ हो गया मेरा तीनों गति के समीकरण को हम लोग है ना कोणीय गति में इस प्रकार हम लोग व्यक्त करते हैं एक समीकरण को हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं और एक समीकरण को थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड दूसरे समीकरण को ओमेगा स्क्वायर इज इस इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा के रूप में हम लोग इंडिकेट करते हैं बच्चों तो ये तो था है ना गति का समीकरण के रूप में तो लेकिन एक बात आप लोगों को यहाँ पर जाननी होगी बच्चों हम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ टेबल बना करके उसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे क्या है वो टेबल में बच्चों कि देखिए यहाँ पे मैं रेखीय वेग के बारे में या रेखीय गति के संबंध में हम लोग बात करेंगे है कि नहीं और यहाँ पर हम लोग कोणीय गति के बारे में बात करते हैं तो कोणीय गति तो रेखीय गति में जो स्थान द्रव्यमान का होता है है कि नहीं जो स्थान द्रव्यमान का होता है मतलब एम का होता है वही स्थान कोणीय गति में आई का होता है डेट मीन्स जड़ आघूर्ण का होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों जड़ आघूर्ण कहते हैं जो स्थान रेखीय गति में आप लोग जानते हैं द्रव्यमान का होता है कोणीय गति में वही स्थान जड़ आघूर्ण का होता है एक हो गया दूसरा नंबर में कि रेखीय गति में जो स्थान भी का होता है भी का है कि नहीं मतलब बेग का होता है वही स्थान कोणीय गति में ओमेगा का होता है है कि नहीं इसका मतलब है कि इसको हम लोग रेखीय बेग कहेंगे तो इसको हम लोग कोणीय बेग कहते हैं रेखीय गति में जो स्थान विस्थापन ऐस का होता है वही स्थान कोणीय गति में ठीटा का होता है है ना इसको हम लोग रेखीय विस्थापन भी कहते हैं इसको हम लोग कोणीय विस्थापन भी कहते हैं है ना दूसरी बात क्या है कि रेखीय गति में जो स्थान ए का होता है अर्थात तोरण का होता है कोणीय गति में वही स्थान अल्फा का होता है जिसको हम लोग कोणीय तोरण कहते हैं आप लोग ये सारी बातों को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे इसी से संबंध यही एम बी एस और अल्फा के संबंध में सारी गति की है ना व्यंजक दिया जाता है बस उसी के अनुसार जो है आई ओमेगा अल्फा और ठीठा के अल्फा और ठीठा के रूप में उसको परिवर्तित करके समीकरण को हूबहू लिखा जाता है जैसे मैं एक उदाहरण आप लोगों को

पी का होता है अर्थात संवेग का होता है वही स्थान उसका एल का भी होता है है कि नहीं तो इसको हमको इंडिकेट करना है बच्चों तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है तो यहाँ पर बल है तो ये तो रेखीय गति से संबंधित है यदि हम इसको कोणीय गति से संबंधित इसका व्यंजक लिखना चाहेंगे तो हमको यहाँ पर एफ के बदले टॉ लिखना पड़ेगा एम के बदले हम लोग को आई लिखना पड़ेगा और अल्फा ए के बदले हमको अल्फा लिखना पड़ेगा तो टॉर्क का व्यंजक ये हमको प्राप्त होता है बच्चों आप जान रहे हैं अब देखिए संवेग के बारे में बात करते हैं संवेग आप लोग जानते हैं कि p is equal to m v होता है तो p ये हो गया रेखीय संवेग है ना तो हम लोग कोणीय संवेग के बारे में बात करेंगे तो कोणीय संवेग को l से इंडिकेट किया जाता है द्रव्यमान को i से इंडिकेट किया जाता है और वेग को ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है तो ये हो गया मेरा कोणीय संवेग का व्यंजक इसी प्रकार जो अभी मैंने आप लोगों को प्राप्त किया था बच्चों क्या कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था हाफ एम भी स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी में द्रव्यमान रेखीय गति से संबंधित है और ये रेखीय बेग रेखीय गति से संबंधित है वहीं कोनीय गति से संबंधित यदि बात करेंगे तो एम का स्थान आई आ जाता है और भी का स्थान ओमेगा आ जाता है तो ओमेगा स्क्वायर हम लोग इस प्रकार इसको इंडिकेट करते हैं तो है ना तो सारी चीज़ों को आप लोग जो है इस टर्म के रूप में उसको आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों है ना न सारा समीकरण आप लोगों को इसी टर्म के रूप में मिलता ही जाएगा तो यह बहुत ही आसान चीज है बच्चों इसको खाली आप लोगों को यह टर्म याद रखना होगा कि द्रव्यमान के बदले आई का प्रयोग होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया वेग के रूप में ओमेगा का स्थान होता है वेग विस्थापन के बदले कोनीय विस्थापन थीटा का प्रयोग करते हैं अल्फा के सॉरी ए के बदले हम लोग कोनीय तोरण अल्फा का इस्तेमाल करते हैं उपयोग करते हैं बल के बदले टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं और संवेग पी के बदले एल कोनी संवेग का इस्तेमाल करते हैं बाकी सारा टर्म उसी के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों तो ठीक है इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बच्चों तो अब हम लोग कुछ ऐसे पिंड के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों ताकि उसका हम लोग जड़ तो आगुण ज्ञात कर सके तो उसको ज्ञात करने से पहले हम लोग यहाँ पर दो परमय को पढ़ेंगे नहीं दो प्रमेय पढ़ेंगे जिसको हम लोग एक प्रमेय को कहते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय और दूसरा को हम लोग लंबवत अक्ष का प्रमेय कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे बच्चों की लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या होता है तो चलिए उसको भी हम लोग आज देख लेते हैं बच्चों कि देखिए है किसी भी पिंड का जड़ तो आघुण ज्ञात करने से पहले हमको इन दो प्रमेय को पढ़ना आवश्यक होता है है ना तो यहाँ पर है ना घूर्णन गति से संबंधित तो दो प्रमेय आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहला प्रमेय क्या होता है बच्चों कि लंबवत अक्ष का प्रमेय है नहीं इसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं देखिए लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या होता है लंबवत अक्ष का प्रमेय इसको हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं देखिए थ्योरम 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 ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस तो इसको पहले डिफाइन कैसे करते हैं मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ बच्चों उसके बाद आप लोगों को आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी और ये बहुत ही आसान है इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है तो लंबत अक्ष का पर में क्या होता है देखिए किसी भी समतल पटल जो होता है है कि नहीं मतलब कोई भी समतल तल जो होता है यदि वो दृढ़ी पिंड की आकृति का होता है तो उससे लंबवत गुजरने वाला अक्ष जो होता है है ना तो हम लोग पहले इसको फोटो को बना के आपको बता देते हैं बच्चों मान लेते हैं कि ये एक कोई समतल पटल है कि नहीं। और ये समतल पटल होने के साथ साथ ये क्योंकि एक दिड़ीय पिंड भी है बच्चों इस प्रकार ये मान लेते हैं कि एक दिडीय पिंड है है कि नहीं इसकी मोटाई भी है ये इसकी मोटाई होगी बच्चों इस प्रकार जडिये पिंड भी होता है है कि नहीं और इससे लंबवत जो होती है कोई एक अक्ष जो होती है इससे अक्ष जो है इससे गुजर रहा है इस प्रकार है नहीं इससे अक्ष ये गुजर रहा है इस अक्ष का नाम तो हम लोग जानते हैं बच्चों की किसी भी सतह से लंबवत गुजरने वाले अक्ष को उसको हम लोग को जेड अक्ष कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं जेड जेड अक्ष और इससे है ना छैतीस गुजरने वाली अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों एक्स अक्ष कहते हैं ये एक्स हो गया और ये एक्स डैस और इसमें एक वाई अक्ष भी होगा जो कि जस्ट इसके परपेंडिकुलर होता है बच्चों है ना वाई अक्ष भी होता है इससे दो अक्ष गुजर रही है एक वाई अक्ष इस प्रकार हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसमें ये एक क्या है वाई अक्ष है है कि नहीं ये इस अक्ष का नाम है देखिए वाई और इस अक्ष का नाम है y वाई डैश तो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कि ये अक्ष जो है एक्स एक्स डैश एंड वाई एंड वाई डैस इसी तल पर है लेकिन जेड और जेड एक्सिस जो है जस्ट इस पर परपेंडिकुलर है इस प्रकार है कि नहीं मतलब इसके मध्य बिंदु से होकर के लंबवत इस सतह से गुजर रही है तो हम लोग यदि इस सतह से लंबवत यदि हम लोग उसका जड़ तो आगुण ज्ञात करते हैं मान लीजिए कि ये एक अक्ष हो गया और इस अक्ष के परिता ये पूरा पिंड जो है घूर्णन गति कर रहा है तो उसका जड़ तो आगुण का मान जो होगा एक्स अक्ष से गुजरने वाले है ना एक्स अक्ष के परिता जड़ तो आगुण का मान वाई अक्ष के परिता जड़ आगुण गुण के वाई है ना का मान के योग के बराबर होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे देखिए किसी समतल पटल देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है किसी समतल पटल है ना किसी समतल पटल है ना आप तो दृढ़ी पिंड भी कह सकते हैं कि, कि किसी दृढ़ी पिंड किसी समतल पटल है ना से लंबवत है ना किसी समतल पटल से लंबवत गुजरने वाले किसी समतल पटल से लंबवत गुजरने वाले लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परिता है ना अक्ष के परिता अक्ष के परिता पटल का जड़ तो आघूर्ण है ना पटल का जड़ तो आघूर्ण अन्य दो अक्षों के परिता है ना अन्य दो अक्ष अन्य दो अक्षों के परिता अन्य दो अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष और y अक्ष मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूं x अक्ष और y अक्ष हमने क्या लिखा कि किसी समतल पटल से लंबोत गुजरने वाले अक्ष के परिता पटल का जड़त्व आगुण अन्य दो अक्ष x अक्ष और y अक्ष के परिता है न के परिता पटल का जड़त्व आघूर्ण पटल का जड़त्व आघूर्ण के पटल का जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है है कि नहीं योग के बराबर होता है ये लंबवत अक्ष का प्रमेय है बच्चों योग के बराबर होता है तो आप लोग समझ में मान लेते हैं कि मान लिया कि जेड अक्ष के पिता उसका तो आगुण आई जेड है तो इस है ना और ये ये क्या है जो तो आगुन किसके अक्ष के पिता पटल के लंबवत गुजरने वाले केक्ष का पैता इस प्रकार जो लंबवत गुजर रहा है अक्ष उसके पैता जो तो आगुन है तो तो इस अक्ष के जो का मान है ना एक्स अक्ष के पिता जो तो आगुन का मान और वाई अक्ष के पैता जो तो आगुन के मान के योग के बराबर होता है तो ये एक प्रमेय है इसको हम लोग साबित करना है बच्चों तो साबित करेंगे प्रूफ करते हैं इसको तो मान लेते हैं कि बच्चों कि देखिए मान लिया कि पटल में इस प्रकार जो फोटो मैंने आपका बनाया था एक बार फिर से मैं फोटो बना देना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि ये एक पटल है ये कि समतल पटल है इसमें क्या गुजर रहा है एक अक्ष जेड जेड डैश गुजर रहा है जेड और ये जेड डैश अक्ष इसमें गुजर रहा है, है ना तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक दूसरा अक्ष x x डैश इससे हम लोग गुजारेंगे यहाँ पर इसमें एक और अक्ष है जो कि इसी तल पर है ना जो इसी तल पर है उसको हम लोग कौन सा अक्ष कहते हैं इस प्रकार हम लोग कहेंगे कौन सा अक्ष है बच्चों ये y y डैश अक्ष है ये y y डैश अक्ष है बच्चों इस प्रकार हम लोग इसका कल्पना करते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस पूरे जो समतल पटल है इस पूरे समतल पटल का द्रव्यमान m है नुग। नुग। है कि नहीं और इस द्रव्यमान में अनेकों कणों से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं हम लोग इस बात को जानते हैं अनेकों कणों से मिलकर तो एक कण पर हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि मान लेते हैं कि वो कण जो है वो कण कहाँ होगा बच्चों कहीं भी हम लोग मान लेते हैं कि तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले मैं दो बातें लिख देता हूँ कि माना देखिए माना समतल पटल का देखिए समतल पटल का द्रव्यमान है कि नहीं समतल पटल का द्रव्यमान एम है है ना एम है है ना एम है तथा तथा इसके है ना तथा इसके सतह के लंबवत तथा इसके सतह के लंबवत है ना तथा इसके सतह के लंबवत जेड जेडस अक्ष गुजर रहा है जेड जेडस अक्ष गुजर रहा है है ना पटल को पटल को अनेक अनेक कणों से पटल को अनेक कनों से मिलकर है ना मिलकर बना माना जा सकता है मिलकर बना माना जा सकता है मिलकर बना माना जा सकता है बच्चों तो हम लोग यहाँ पर एक कण का द्रव्यमान है ना, को कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि पटल में है ना देखिए माना पटल में एक एक कण एक कण है ना एक कण है जिसका द्रव्यमान एक कण है जिसका द्रव्यमान एम है जिसका द्रव्यमान है, है जिसका द्रव्यमान तथा तथा इसकी दूरी है ना तथा इसकी दूरी जेड जेड डैश अक्ष से तथा इसकी दूरी जेड जेड डैश अक्ष से आर है कि नहीं इस प्रकार हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक, एक कोई कण हम लोग मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान एम है और जेड जेडेस अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो गई इसकी दूरी आर हो गई हम लोग ये मान लेते हैं तो यहां से इस प्रकार इस पर हम एक परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं बच्चों और एक इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं है कि नहीं तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लंब है ये भी एक लंब है अतः ये एक कौन सा त्रिभुज बनता है बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज आधा बनता है ये वाला है कि नहीं ये ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स अक्ष का पार्ट है है ना और ये जो है वाई अक्ष के समांतर है ये रेखा अतः इसको हम लोग वाई मान सकते हैं और ये आर है बच्चों तो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं ये ए बिंदु हो गया और ये मेरा बी बिंदु हो गया यहाँ पर कण मौजूद है उसको हम लोग बिंदु मानेंगे है ना एक्स है अब हम लोग क्या करेंगे देखिए कि इस है ना बिंदु बी पर देखिए इस है ना देखिए इस बिंदु या इस कन है ना इस कन पर इस कन पर है ना इस कन पर एक्स अक्ष इस कन पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष है ना तथा वाई अक्ष से है ना वाई अक्ष से लंब डालते हैं लंब डालते हैं लंब डालते हैं, को कुछ हम लोगों को इस प्रकार प्राप्त होगा बच्चों है ना लंब डालते हैं, अक्ष से उसको मिला दिया वाई अक्ष से उसको मिला दिया तो इस प्रकार हमको मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि जेड जेडस अक्ष के परिता इस कण का जड़ तो आगुन कितना होगा तो चलिए हमको लिखते हैं देखिए जेड है कि नहीं जेड जेडस अक्ष के परिता जेड जेडस अक्ष के परिता जड़ तो आघूर्ण कितना होगा बाद में हम लोगों को लम्ब का हम पता चल जाएगा कि क्यों डाला गया है ना जेड जेडस अक्ष के परिता जड़ तो आघूर्ण कितना हो जाएगा है ना तो हमको मिलेगा आई जेड इज इक्वल टू उस कन का द्रव्यमान एम और अक्ष से दूरी आर उसका वर्ग हो जाएगा बच्चों इस प्रकार इसको हम लोग समीकरण नंबर एक कहेंगे अब देखिए यहां पर जो मैंने लम्ब डाला है इसमें एक त्रिभुज को प्राप्त हुआ है बच्चों ओ ए बी से ये एक समकोण त्रिभुज है तो लंब मैंने यदि डाला है तो बच्चों की ये तो मेरा राइट एंगल ट्री हो जाएगा इस प्रकार आप देख पा रहे है ना ये मेरा क्या होगा राइट एंगल ट्री एंगल पर नाइन्टी डिग्री का कौन बन रहा है ऐसे भी आप जान रहे हैं कि ये यदि आपका y अक्ष के समांतर है, AB जो लाइन है, वो y अक्ष के समांतर है, और y अक्ष हमेशा x अक्ष पर लंब होता है, इसलिए यहाँ का कोण कितना हो गया? वो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो ये एक समकोण त्रिभुज मेरा बनता है, तो देखिए चित्र से, है कि नहीं चित्र से OAB है ना एक समकोण त्रिभुज, है OAB एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसका कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब का वर्ग है ना कि योग के बराबर होता है कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों ओ बी हो जाएगा तो लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आधार क्या हो जाएगा है ना ओ ए है तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर एंड लंब जो होगा बच्चों वो ए बी है तो ए बी का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि ओ बी आर है तो यहाँ पर लिखेंगे आर एंड ओ ए एक्स अक्ष पर है अतः ओ से ए की दूरी को हम लोग एक्स मान सकते हैं और यहां से हम लोग जो लम्ब गिरा है बच्चों इस बिंदु तक इस बिंदु को हम लोग इस दूरी को हम लोग वाई मान सकते हैं यदि ये वाई होगा तो ये भी मेरा वाई हो जाएगा तो ए भी हमको वाई प्राप्त होता है अर्थात यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिलेगा अब इस आर स्क्वायर का मान हम लोग समीकरण नंबर एक में रख देंगे ये आसान बातें देखिये आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर आर स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर तो हम लोग रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों देखिए आई जेड इज इस गया इसको कर सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये हो गया y अब एम को हम लोग अलग अलग अल, अल, अल अल अंदर की ओर कर देंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एम वाई स्क्वायर ये तो छोटे से कन का दरमान था बच्चों के कारण लोग जड़ तो आगू निकाले अब लिखेंगे संपूर्ण है पिंड के कारण अब लिखे संपूर्ण पिंड यह संपूर्ण पटल है कि नहीं का जेड जेड अक्ष के परिता जड़ तो आगुण जेड जेड डेस अक्ष के परिता जड़ तो आगुन क्या हो जाएगा के परिता जड़ तो आगुन कितना हो जाएगा बच्चों इसका हम लोग समेशन ले लेंगे समेशन ले लेंगे है कि नहीं यहाँ एम तो एक छोटा सा कण था समेशन लेने का मतलब पूरे पिंड में जितने कण होता है सभी द्रव्यमान को जोड़ देना तो यहां पर क्या हो गया देखिए एम ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर भी समेसन आ जाएगा ये हो जाएगा एम वाई स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि समेसन एम लेंगे तो वो संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान देगा है कि नहीं सिग्मा का वैल्यू क्या होता है सिग्मा मतलब होता है जोड़ना है कि नहीं छोटे छोटे कणों को यदि हम लोग जोड़ते जाएंगे उस पटल का तो संपूर्ण पटल का द्रव्यमान देगा जो कि एम है और इस अक्ष को यदि हम लोग जोड़ेंगे है कि नहीं एक्स को यदि जोड़ेंगे तो हमको संपूर्ण पटल का है ना एक्स एक्स अक्ष से दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी और इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो संपूर्ण पटल का वाई अक्ष से दूरी भी हमको प्राप्त हो जाएगी बच्चों तो इसको हम लोग का है ना रूप में इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहां पर हो जाएगा एम वाई स्क्वायर तो ये एम एक्स स्क्वायर क्या है आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स अक्ष के पिता जड़ तो आगुन है और ये क्या है वाई अक्ष के पिता जड़ तो आगुन है तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं है क्या लिखेंगे एम आई एक्स प्लस ये हो जाएगा आई वाई तो यही चीज हमको साबित भी करना था बच्चों ये चीज है ना हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से साबित भी किए और ये बहुत आसान भी है बच्चों कि कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी है ना समतल पटल का है ना किसी उससे लंबत गुजरने वाले अक्ष के पैता जड़ तो आगुन का मान है ना उसके सतह से लंबत गुजरने वाले दो अक्ष के पैता जड़ तो आगुन के योग के बराबर होता आप लोग देखें कि इस पटल से जेड अक्ष के पैता जड़ तो आगुन का मान निकाले तो इसका मान है ना, ना इसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जड़ आगुन के योग के बराबर प्राप्त हो गया जोड़ के बराबर प्राप्त हुआ यह था लंबोत अक्ष का परमय और एक परमे मेरा आता

तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ समांतर अक्ष का प्रमेय क्या है समांतर अक्ष का प्रमेय इसको हम लोग है ना ऑफ पैरडर एक्सिस भी हम लोग कहते हैं बच्चों समांतर अक्ष का प्रमेय ये क्या कहता है है ना ये बहुत आसान है बच्चों एक बार इसे आप लोग यदि देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो चलिए पहले इसके बारे में आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ बच्चों उसके बाद इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा मान लेते हैं कि बच्चों की एक ये एक समतल पटल है, है कि नहीं या कोई दृढ़ पटल है इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं है ना इससे कोई एक अक्ष गुज़र रहा है बच्चों इस प्रकार देखिए इससे कोई एक अक्ष इस प्रकार गुजर रहा है जिसका नाम है ए ए डैश है कि नहीं और इस पटल का कोई ना कोई एक गुरुत्व केंद्र होगा बच्चों इस गुरुत्व केंद्र से भी होकर के एक अक्ष गुजर रहा है जिसका नाम है जी जी डैस इसका नाम है जी जी डैस तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं बच्चों कि इस अक्ष के पिता मतलब जी जी डैश अक्ष के पिता इस पटल का जड़ तो आगुण है आई जी का मान तो ये पर में हमको ये बात कहता है बच्चों कि इस दिव्य पिंड का है ना जड़ तो आघूर्ण किसी भी अक्ष के परिता जैसे हम लोग यहाँ पर अक्ष लिए हैं ए ए डैश तो इस अक्ष के परिता इस पिंड का जड़ तो आघूर्ण का मान इस पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष है ना तथा पिंड का द्रव्यमान दोनों अक्षों की बीच की दूरी दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है इसको हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं ये बात आप लोगों को समझ में तो आई नहीं बच्चों अब समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिखूंगा उसका इक्वेशन लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा देखिए किसी दृढ़ पिंड का देखिए किसी दृढ़ पिंड का है ना किसी दृढ़ पिंड का किसी अक्ष के परिता किसी दृढ़ पिंड का किसी अक्ष के परिता है कि नहीं किसी अक्ष के परिता जड़ तो आघूर्ण का मान जड़ आघूर्ण का मान है कि नहीं किसी दृढ़ पिंड का किसी अक्ष के परिता जड़ तो आघूर्ण का मान है कि नहीं देखिए पिंड के गुरुत्व केंद्र है कि नहीं पिंड के गुरुत्व केंद्र पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण आघूर्ण का मान पिंड का द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग वर्ग के है ना गुणनफल वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है गुणनफल के योगफल के बराबर होता है है ना गुणनफल फल के योग फल के बराबर होता है इसी को हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं बच्चों तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझेंगे हम लोग यहाँ पर क्या किए बच्चों की पहले एक दृढ़ पटल लिए हैं है, है कि नहीं जिसपे एक अक्ष मैंने ए ए डैश गुजारा है इसी अक्ष के परिता इस पटल का जड़ तो मुझे ज्ञात करना है तो परिभाषा मुझे ये बतलाता है कि इस अक्ष के परिता है ना इस दृढ़ी पटल का जड़ तो आघुर्ण का मान इस पटल के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के पिता जड़ तो आघुर्ण का मान पिंड का द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों कि ए ए डैश अक्ष के पिता इसका जड़ तो आगुन का मान आई ए है इज इक्वल टू अब गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के पिता इसका जड़ तो आगुन का मान आई जी है प्लस है ना पिंड का द्रव्यमान एम हो गया और दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए है तो देखिए यहाँ पर यही चीज बोल रहा है ना कि, कि ए डैश है ना ए ए डैश अक्ष के पैता पिंड का जो तो आगुन का मान है कि नहीं उसके गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजरने वाले अक्ष के पैता पिंड का जो तो आगुन का मान पिंड का द्रव्यमान दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुनन फल के योग फल के बराबर होता है यही चीज को मैंने इसी एक्सप्रेशन को पूरी परिभाषा में या शब्दों में मैंने लिखा है तो इसे मुझे अभी साबित करने की आवश्यकता है तो मैं साबित कैसे करूँगा पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों कि मानना पड़ेगा कि संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान एम है तो मानता हूं देखिए माना संपूर्ण पिंड का या पिंड का द्रव्यमान एम है पिंड का द्रव्यमान एम है है ना पिंड का द्रव्यमान है, है ना तथा तथा इसके है ना तथा इसके गुरुत्व केंद्र तथा इसके गुरुत्व केंद्र से है ना तथा इसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष है ना गुजरने वाले अक्ष इसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परिता के परिता पिंड का जड़त्व आघूर्ण है ना पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना है पिंड का जड़ आगुण आई जी पिंड का जड़ तो आगुण आई जी है आई आग जी है ना आई जी है तथा तथा एक अन्य अक्ष तथा एक अन्य अक्ष तथा एक अन्य अक्ष ए डैश ए डैश ए -ए है जिसके परित जिसके परिता पिंड का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है जिसके परिता पिंड का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है जिसके परिता पिंड का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है है ना मान लेते हैं मान लिया कि दोनों अक्षों के बीच की दूरी देखिए माना कि दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए है है ना माना दोनों अक्षों के बीच की दूरी माना दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए है है ना है तथा तथा पिंड में तथा पिंड में एक एक है ना कन एक कन की कल्पना करते हैं तथा पिंड में एक कन की कल्पना करते हैं कन की कल्पना करते हैं जिसका द्रव्यमान है, है ना जिसका द्रव्यमान है, एम है तो है तथा, ना g तो जी डैश से दूरी तथा जी जी डैश अक्ष से दूरी आर तो है तथा जी जी डैश अक्ष से दूरी आर है तो, तो यहाँ पर हम लोग इस है ना ए ए डैश अक्ष के पिता ज्रत तो आगुण का मान ज्ञात करने के लिए इस दि पिंड में एक छोटा सा कन लेते हैं जिसका द्रव्यमान है और इस कन का है ना जी जी डैश अक्ष से दूरी कितनी हो गई वो आर है है ना तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि इस कन का ए ए डैश अक्ष के जो तो आगुण कितना होगा तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों अब हम लोग क्या लिखते हैं कि देखिए कण का है कण का ए, ए डैश अक्ष के परिता कन का ए ए डैश अक्ष के परिता जड़ तो आघर्ण कितना हो जाएगा जड़ तो आगुन हो जाएगा एम और दोनों देखिए तो अब ए ए डैश अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी इसके इसके बीच की दूरी ए है और इससे इसकी दूरी आर है तो है ना अक्ष ए ए डैश से इसकी दूरी कितनी होगी ए प्लस आर होगा तो हम लोग यहाँ पर दूरी का वर्ग होता है हम लोग जानते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस आर का होल स्क्वायर होगा यहां A है ना और यहाँ कन ए ए डैस अक्ष कह पे इसका जो तो आगुन का मान हम लोग आई ए मान लेते हैं अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू ए आर ये चीज हम लोग जानते हैं तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो यह कितना हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू एम को अंदर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा एम आर स्क्वायर है ना ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू ए आर और ये हो जाएगा एम लेकिन ये क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं बच्चों कि टू ए आर एम ये एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है इसका कोई ये एक कोई भी यहाँ पे भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं कर रहा है लेकिन इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ टू ए आर एम कोई भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता कोई भौतिक राशि को है ना राशि को प्रदर्शित नहीं करता है कोई भी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है है ना कोई भी भौतिक राशि को ये प्रदर्शित नहीं करता इसीलिए है ना इसलिए इसे नगण्य मान लेते हैं इसलिए इसे नगण्य मान लेते हैं नगन्य मान लेते हैं या छोड़ देते हैं नगर मान लेते हैं या इसे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। क्योंकि देते हैं तो छोड़ देंगे समीकरण क्या प्राप्त होगा आई ए इज एक प्लस हो जाएगा एम आर स्क आप लोग यहाँ पर देखिए एम आर स्क्वा क्या है बच्चों इस कन का जी जी डैश अक्ष के पिता जरूरत आगुन है क्योंकि देख रहे हैं कि इस कन का दरमान एम हो गया और जी जे जो गुरुत्व केंद्र से होकर के जो अक्ष गुजर रहा है उससे इस कन की दूरी आ रही है तो अतः जी जी डैश अक्ष के पिता इस कण का जड़ तो आगुन कितना हो जाएगा एम स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वही बातें है कि नहीं यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे कि यहाँ एम स्क्वायर जो हो गया है कि नहीं अक्ष जी जी डैश अक्ष के परिता अक्ष जी जी डैश अक्ष के परिता या अक्ष जी जी डैश के परिता के परिता कन का जड़ तो है कन का क्या है जड़त्व तो आघूर्ण है इसीलिए इसको हम लोग आई जी मानते हैं आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर आई जी मतलब हो गया गुरुत्व तो केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष का पैता उसका उनका द्रव्यमान तो इस बात को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिलेगा है नहीं देख, आई ए इज इक्वल टू यहाँ मिला एम ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिलेगा आई जी अब लिखेंगे कि संपूर्ण पटल का है नहीं देखिए संपूर्ण पिंड का है कि नहीं संपूर्ण पिंड का ए ए डैश संपूर्ण पिंड का ए ए डैश अक्ष के परिता ए ए डैश अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा के परिता जड़त्व तो आघूर्ण कितना मिलेगा बच्चों तो हम लोग इसको समेशन ले लेंगे है कि नहीं किसका हो जाएगा बीच वाले टर्म का हो जाएगा तो ये हो जाएगा m a स्क्वायर प्लस हो जाएगा ig हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ m इज इक्वल टू क्या मिलता है संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान मिलता है तो ये बातें हम लोग यहां पर रख देंगे तो ig सॉरी है ना हमको क्या मिलता है आई ए आई जी को हम लोग पहले लिखेंगे प्लस हो जाएगा समेशन एम के जगह में एम रखेंगे और ये मिला ए स्क्वायर तो यही बातें हमको साबित भी करनी थी बच्चों है ना तो ये आसानी से साबित हो जाता है जिसको हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं तो ये बहुत आसानी से साबित की जा सकती है बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों के पास होगा तो इसे आप लोग आसानी से साबित कर सकते हैं कुछ भी नहीं है कि किसी भी समतल पटल ले लीजिए कोई भी दृढ़ी पिंड ले लीजिए उससे कोई एक अक्ष गुजार दीजिए है कि नहीं और उस अक्ष के पिता उस सम है ना पटल का या पिंड का जड़त्व तो आघूर्ण जो होता है उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजरने वाले अक्ष के पहिता पिंड का जड़त्व तो आघूर्ण उस संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है इसी को हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं अब हम लोग इस अक्ष का प्रयोग करेंगे है ना इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों अब अनुप्रयोग करके देखेंगे कि इसका कैसे कैसे अनुप्रयोग किया जाता है तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे ये प्रमेय तो बहुत आसान था बच्चों लेकिन इसका अनुप्रयोग करने के क्रम में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी क्या क्या सावधानी रखनी होगी चलिए हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों कि एक रिंग का हम लोग एक जड़ तो आगुन ज्ञात करते हैं किसका एक बलय का देखिए एक वलय का जड़ तो आघूर्ण हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पे लिखेंगे वलय का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है वलय का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है, है कि नहीं वलय का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है डेट मीन्स है ना कैलकुलेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रिंग हम लोगों को रिंग का है हाँ ना जो तो आगुन हम लोगों को ज्ञात का रिंग तो आप लोग जानते होंगे जो कि अंगुली में हम लोग पहनते हैं उसमें कुछ मोटाई होती है लेकिन बीच का स्पेस खाली होता है है कि नहीं तो मान लेते हैं बच्चों कि ये मेरा एक क्या है रिंग है इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी सी मोटाई होती है तो उस मोटाई को हम लोग आपको इस प्रकार हम दिखा सकते हैं इसमें थोड़ा सा मोटाई हम लोग कर देंगे है ना मैं उतना अच्छा ड्रॉइंग कर नहीं सकता बच्चों लेकिन फिर भी आप लोग जान पाए होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ मोटाई है इस रिंग में इस प्रकार और इससे देखिए एक अक्ष से गुजर रहा है लेकिन इस के इस अक्ष के रिंग का हमको ज्ञात करना है तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों की ये ये जो है ए ए डैश अक्ष है इस रिंग से गुजर रहा है और इस रिंग का द्रव्यमान कितना है एम है तो और इसकी त्रिज्या आर है ये चीज हम लोग मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है तो देखिए यहाँ पर माना देखिए माना एम द्रव्यमान है नहीं मान लिया कि एम द्रव्यमान का एक एम द्रव्यमान का एक वलय एक वलय जिसकी त्रिज्या आर है एक वलय जिसकी त्रिज्या आर है है ना जिसकी त्रिज्या आर है माना एम द्रव्यमान का एक वलय जिसकी त्रिज्या आर है के, के है ना केंद्र है ना के केंद्र से होकर केंद्र से होकर एक केंद्र से होकर एक अक्ष केंद्र से होकर एक अक्ष ए डैश लंबवत गुजर रहा है है ना लंबवत गुजर रहा है रहा है ना लंबवत गुजर रहा है तो ये बात हम लोग जानते हैं इस अक्ष के परिता देखिए इस अक्ष के परिता है ना इस अक्ष के परिता वलय का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है वलय का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है है ना वलय का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करना है है ना तो हम लोग क्या मान लेते हैं पहले देखिए मानते हैं कि वलय का देखिए वलय का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा वलय का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान वलय का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा बता सकते हैं वलय का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा है ना तो इसका द्रव्यमान तो मैंने पहले ही मान लिया कि एम है लेकिन वलय की लंबाई कितनी है तो वलय की लंबाई हम लोग जानते हैं बच्चों की इसकी परिधि के बराबर होता है कि नहीं इसकी परिधि लंबाई ही है तो इसका प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान मैं लिखूंगा एम इज इक्वल टू टू पाई आर है कि नहीं क्योंकि इस वलय की लंबाई कितनी है टू पाई आर तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा एम बाई टू पाई आर अब देखिए इसका जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी मोटाई पर एक अल्पांश एक छोटे से भाग डी एक्स को हम लोग काट लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है मोटाई नहीं करना इसकी लंबाई डी एक्स है तो हम लोग क्या करते हैं कि जड़त आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए देखिये जड़त आघूर्ण का मान है ना ज्ञात करने के लिए जड़त आगुन का मान ज्ञात करने के लिए है ना देखिए वलय के परिधि पर है ना वलय के परिधि पर है ना वलय के परिधि पर dx लंबाई का है ना dx लंबाई का एक अल्पांश काट लेता एक अल्पांश मतलब एक छोटा सा भाग काट लेते हैं अल्पांश काट लेते हैं है ना कल्पना करते हैं ओरिजिनल में काटते नहीं है कल्पना करते हैं अल्पांश काट लेते हैं है ना कल्पांश हैं आप बता सकते हैं कि इस की, इस की का द्रव्यमान कितना होगा यह अल्पांश की लंबाई डी एक्स है तो मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया बच्चों कि वलय के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम बाई टू बाई आर है तो अब किसी भी लंबाई को यदि हमको उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इस टर्म से यदि गुणा कर दें तो उसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस अल्पांश का है ना उस अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा लिखेंगे अल्पांश का द्रव्यमान देखिए क्या हो जाएगा अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा है ना अल्पांश का द्रव्यमान इज इक्वल टू होगा एम बाय टू पाई आर इन टू ये हो जाएगा अल्पांश का द्रव्यमान आप लोग जैसा कल्पना करें ये प्रति एकांक एक लंबाई का द्रव्यमान था और ये क्या निकल गया उसका लंबाई है ना तो लंबाई को प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो उस अल्पांश का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा तो इसका हमको द्रव्यमान अब बताइए कि इस अल्पांश का अक्ष ए ए के परिता जाए तो आगुण कितना होगा तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी है तो आ रही है ये तिरजा ही होगी हम लोग जानते हैं बच्चों तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे कि अल्पांश का है ना देखिए अल्पांश का अक्ष है कि नहीं अल्पांश का अक्ष ए एस के परिता अल्पांश का ए ए के परिता है ना जड़ तो आगुन कितना हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जड़ तो आगुन कितना होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर तो अल्पांश तो का द्रव्यमान तो इतना ही है कितना है एम बाय टू पाए आर डी एक्स और अक्ष से उसकी दूरी आर है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आर स्क्वायर तो ये इसका जड़ तो आगुन हो गया कैसे हो गया ये हो गया अल्पांश का द्रव्यमान इतना बाई टू पाई आर डी एक्स। ये द्रव्यमान हो गया और दूरी उसकी आर स्क्वायर है तो अब ये छोटा सा था अब संपूर्ण रिंग का संपूर्ण रिंग का हमको जड़ तो आगुन निकालना है। ये तो हम छोटा सा भाग का हम लोग क्या लिए उसका जो आगुन निकाले ना तो अब संपूर्ण रिंग का हमको जो आगुन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट कर देंगे है ना ये छोटा सा लंबाई है डीएक्स तो अब संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई आर तो इंटीग्रेट का जो लिमिट होगा वो जीरो से लेकर के 2 पाई आर होगा क्योंकि इस डी का मान जीरो से लेकर के 2 पाई आर हो सकता है है कि नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे अब संपूर्ण रिंग का है कि नहीं संपूर्ण वलय का अब देखिए संपूर्ण वलय का है कि नहीं संपूर्ण वलय का अक्ष संपूर्ण वलय का अक्ष ए ए के परिता है ना ए ए डैश के परिता जड़ तो आग होने कितना हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे डी एक्स का वैल्यू पॉसिबल है कहाँ तक जीरो से लेकर के टू पाई आर तक क्योंकि वलय की पूरी लंबाई टू पाई आर होती है तो चलिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो एम बाई टू पाई आर और ये हो गया मेरा डी एक्स इन टू आर स्क्वायर सब टर्म कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन डी एक्स का ही होगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए एम बाय टू पाई आर एंड आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया इंटीग्रेशन आ जाएगा टू पाई आर और यहाँ से हमको क्या मिलेगा सिर्फ डी एक्स मिलता है है ना तो अब हम लोग डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा देखिए एम बाय यहाँ से मिलेगा टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटू यहाँ पर हो गया टू पाई आर अब लिमिट को हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखिए एम बाय टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर है ना टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर एक बार एक्स को टू पाई आर संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर हो गया टू पाई आर एक बार जीरो संतुष्ट करेगा तो ये जीरो हो गया तो डेट सिंपलाइस आई इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा एम बाई यहाँ पर हो गया टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर जीरो तो कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा सिर्फ टू पाई आर तो टू पाई आर टू पाई आर कैंसिल हो गया तो डेट सिंपलाइस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर तो इसका जो हो गया जड़त्व तो आघूर्ण है कि लंबवत गुजरने वाले केंद्र से होकर लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान mr स्क्वायर होता है बच्चों ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस, अप, है। इस वलय का, का, का अपने ही व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है देखिए इस वलय का है कि नहीं इस वलय का देखिए इस वलय का अपने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण अपने ब्यास के परिता अपने परिता जड़ तो आघूर्ण कितना होगा अब यहां पर आपका प्रयोग होगा बच्चों सन लंबवत अक्ष का परमेय थोड़ा सा देखिएगा मान लेते हैं कि ये क्या है आपका एक देखिए ये एक वलय है है कि नहीं मैंने इससे लंबवत गुजरने वाले अक्ष के पैता जड़ तो आगुन का मान तो निकाल लिया बच्चों कि मतलब इसके सतह से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के पैता इसका जड़ तो आगुन का मान मैंने इस प्रकार निकाला मतलब भलाई से लंबवत गुजर रहा है मुझे क्या निकालना है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लंबवत गुजर रहा है तो लंबवत अक्ष का पैता यदि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा तो मैंने किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले अक्ष को मैंने क्या नाम दिया था जेड जेड डैस नाम दिया और इसी अक्ष के पिता मैंने अभी जड़ तो आगुन का मान निकाला है जिसका मान है एम आर स्क्वायर तो ये इसका ब्यास हो गया बच्चों ये इसका ब्यास है इस प्रकार है कि नहीं तो इस ब्यास का नाम क्या हो जाएगा बच्चों एक्स एक्स डैस और एक ब्यास इस प्रकार भी मैं दे सकता हूँ जिसका नाम कितना हो गया बच्चों वाई और वाई डैस तो बताइए कि इसके ब्यास के पिता इसका जड़ो आगुन का मान कितना होगा है कि नहीं इसके ब्यास के पिता इसका जो आगुन का मान तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे है कि नहीं हम लोग यहाँ पर करेंगे लंबवत अक्ष का प्रमेय क्योंकि ये जेड जेड अक्ष जो है इस बलय के सतह के लंबवत गुजर रहा और ये जो दोनों अक्ष है वो क्या है इसी तल पर मौजूद है तो हम लोग यहाँ पर लंबवत अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करेंगे देखिए लंबवत अक्ष के प्रमेय से है कि नहीं लंबवत अक्ष के प्रमेय से देखिए लंबवत अक्ष के प्रमेय से तो हम लोग क्या दिखेंगे देखिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई यहाँ पर जेड जेड डैश मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ कि जेड या एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश है ना वलय का व्यास है वलय का है ना वलय का एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदेश है ना वलय का एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदेश वाई अक्ष के अनुदिश व्यास है के अनुदेश इसका व्यास है तो ये बात को आप लोगों को समझनी होगी अब दोनों ही यदि व्यास है तो क्या एक्स एक्स डैश अक्ष के पिता और वाई वाई डैश अक्ष के पिता इसका जो अलग अलग तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही व्यास है बच्चों तो व्यास के पिता जब ब्लैक अजागुन तो समान होगा इसका मतलब है आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर ही होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि दोनों ही अक्ष के पिता इसका जो तो बराबर होता है मतलब आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू इसका नाम दे देते हैं आई डी मतलब आईडी मतलब जड़ तो आगुण है कि नहीं अकॉर्डिंग टू हम लोग कह सकते हैं डायमीटर है कि नहीं तो ये दोनों बराबर होगा और आई जेड का वैल्यू उसके लंबत गुजरने वाले अक्ष के पिता अभी तो मैंने मान निकाले एम आर स्क्वायर होता है तो सारी बातों को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों बराबर है तो ये हो गया आई डी प्लस ये भी हो जाएगा आई डी तो डेट सिंपलाइज हम लिख सकते हैं कि टू आई डी इज इक्वल टू क्या हो गया एम आर स्क्वायर तो डेट सिंपलाइज आई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू तो इसका मतलब है कि उस वलय का अपने ही ब्यास के परिता जड़ आगुण जो होगा वो एम आर स्क्र बाई टू होगा ब्यास के मतलब समझते हैं अक्ष मतलब आप समझते होंगे बच्चों अक्ष किसको कहते हैं जिसके परिता है ना पिंड को घुमाया जाता है इसका मतलब है कि यदि ब्यास के पिता यदि पिंड को घुमाया जाए तो उसका वलय का जो आगुण एम आर स्क्वायर बाय हमको टू प्राप्त होता है तो ठीक है बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या कि वलय का है कि नहीं रेखा के परिता आगुन कितना होगा इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें है कि नहीं इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों नहीं तो ये भारी दिक्कत आप लोगों के लिए होगा है कि नहीं एक वलय है है कि नहीं मान लेते हैं कि मेरे पास देखिए एक वलय है ये 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 एक वलय है यानी इसी तरह वलय होता है इसके चारों तरफ पदार्थ होता है लेकिन बीच में कुछ नहीं होता है मैंने ब्यास के पिता निकाल लिया जौतागुन ये ब्यास होता है इस वलय का ब्यास है तो इसके पिता इसका जौतागुण का मान एम आर स्क्वायर बाई टू निकला है, है कि नहीं लेकिन इसके लंबवत जो इस प्रकार जो अक्ष गुजर रहा है बच्चों ये लंबवत जो अक्ष इस प्रकार गुजर रहा है इससे है कि ना जिसका नाम मैंने जेड जेड डेस अक्ष दिया था इसके पिता इसका जौतागुण का मान एम आर स्क्वायर निकला अब हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं इसके स्पर्श रेखा के परिता इसका इसका मतलब है कि इस प्रकार यदि यदि इससे स्पर्श रेखा गुजर रहा है तो उस बलय का जड़ता आघूर्ण कितना होगा तो चलिए हम लोग निकाल देंगे स्पर्श रेखा के पैता पिंड का जड़ता आघूर्ण ए वलय का जड़ आघूर्ण कितना होगा देखिए स्पर्श रेखा के परिता लेकिन स्पर्श रेखा के परिता वलय का जड़त्व आघूर्ण लेकिन वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा

कि नहीं समांतर अक्ष के प्रमेय समांतर अक्ष के प्रमेय से तो क्या हम लोग जानते हैं तो ये हो जाएगा आई टी मतलब इस अक्ष के प्यता हमको निकालना है तो ये जो अक्ष है जो ब्यास जो है उसके केंद्र से ही होकर के गुजर रहा है गुरुत्व केंद्र से ही होकर गुजर रहा है बच्चों तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आई डी प्लस इस पूरे रिंग का दरम्याण एम है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी आर है इसका मतलब ये हो गया आर स्क्वेयर तो समांतर अक्ष का पर मैं इस प्रकार लिख सकते हैं और आई डी जो हमको मुझे मालूम है कि व्यास के पेटा उसका जो आगुन कितना होता है है ना एम आर स्क्वायर बाई टू होता है तो यहाँ पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो जाएगा एम आर स्क्वा इसको सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे बच्चों तो आई टी इज इक्वल टू कितना थ्री एम आर स्क्वाय टू तो ये क्या निकल गया मेरा कि इस बलय के परिता उसका जरूरत है ना ब्याज सॉरी स्पर्श रेखा के परिता उसका जड़ोतागुन का मान निकल गया अब एक बात और यहाँ पर आती है बच्चों कि यदि स्पर्श रेखा उस बलय के लंबवत गुजरता हो इस प्रकार मान के बलय है और स्पर्श रेखा इस प्रकार गुजर रहा है उसके सतह से यही इस प्रकार गुजर रहा है है कि नहीं तो इस अक्ष के पिता उसका जड़तागुण कितना होगा वो निकालना है देखिए है कि नहीं परिता स्पर्श रेखा के परिता कि नहीं लंबवत स्पर्श रेखा के परित का जड़तो आगुर्ण निकालना है बलय का जड़ तो आघुन हमको ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को समझिए मान लेते हैं कि वलय है बच्चों है कि नहीं तो इस पर जो अभी लंब गुजर रहा है बच्चों इस प्रकार है खड़ा है लंब है ना स्पर्श रेखा तो इस प्रकार होता है इस प्रकार इससे सटा सटा हुआ लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि लंबवत स्पर्श रेखा इसका मतलब है कि इस प्रकार उसके सतह से गुजर रहा है ना तो हम लोग ये जो निकाल ही लिए हैं इस अक्ष के पिता तो जो आगुन का मान जानते ही है बच्चों है कि नहीं ये कौन सा अक्ष हो गया ये जेड जेड डेस जो कि वलय के सतह के लंबवत गुजर रहा है और यहाँ से जो एक मेरा जो गुजर रहा है आप समझिए थोड़ा सा कि ये जो स्पर्श रेखा जो कि लंबवत इससे गुजर रही है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से इस प्रकार में देता हूँ तो आप लोग इसको समझिए कि ये क्या हो गया कि इससे लंबवत गुजरने वाला स्पर्श रेखा है बच्चों किसी भी बलय से हम लोग कितनी तरह से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं दो तरह से आप लोग देखिए मान लेते हैं कि ये एक बलय है तो इसमें हम लोग इस प्रकार स्पर्श रेखा खींच सकते हैं खींचते भी हैं बच्चों लेकिन इस प्रकार की स्पर्श रेखा नहीं खींचते इसका मतलब है कि इस इस प्रकार की स्पर्श रेखा तो ये जो इसके केंद्र से होकर के गुजरने वाला अक्ष था बच्चों के तो तो इससे हम लोग ज्ञात तो �right कर लिए हैं कि इस अक्ष तो का का जो मान स्क्वायर होता है लेकिन अब इस इसके परिता भी मैंने निकाल लिया कि इस प्रकार यदि स्पर्श रेखा के पैतास तो का चौथागुन का मन थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर होगा लेकिन यदि स्पर्श रेखा इस प्रकार गुजरे तो क्या होगा है कि नहीं यदि अक्ष जो है इस प्रकार गुजरे है ना उसको छूता हुआ भलय को छूता हुआ उसके लंबवत गुजरता हो तो उसका जड़त आघूर्ण का मान क्या होगा अब देखिए ये अक्ष और ये अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर है बच्चों ये इसके गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजर रहा है और ये इसके सतह से होकर के गुजर रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करेंगे है ना तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे समांतर अक्ष का प्रयोग करेंगे और दोनों के बीच की दूरी आ ही होगी है कि नहीं तो यहाँ पर क्या होगा देखिए समांतर अक्ष के प्रमेय से तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे समांतर अक्ष के प्रमेय से है ना समांतर अक्ष का प्रमेय हमको क्या बतलाता है कि देखिए ये लंबवत है ना ये लंबवत गुजर रहा है मतलब ये स्पर्श रेखा है लेकिन भले से लंबवत गुजर रहा है तो ये इस अक्ष का नाम हम लोग क्या देते हैं बच्चों है कि नहीं नॉर्मल हम लोग इसको नॉर्मल दे देते हैं इसीलिए आई एन नाम दे देते हैं है ना ये स्पर्श रेखा है लेकिन सतह को छूता हुआ लंबवत गुजर रहा है तो यहां से हो जाएगा आई एन और ये जो रेखा जो है सतह के लंबवत गुजर रहा है लेकिन जेड जेड डेस है तो इसको इज इक्वल टू हम लोग क्या देंगे आई जेड और सतह पूरे रिंग का द्रव्यमान एम है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी आर है तो ये आर स्क्वायर हो गया तो इसका तो हम लोग जो तो आगुन का मान निकाला है बच्चों पहले वही मान हम लोग निकाले हैं इसका मान क्या होता है एम आर स्क्वायर है ना क्योंकि बलय के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के पिता जो तो आगुन का मन एम आर स्क्वायर होता है और ये भी हो गया एम आर स्क्वायर तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो लंबवत स्पर्श रेखा के परिता गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष बलय का जरूरत आगुन क्या हो जाएगा टू एम आर स्कर होता है तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा अक्ष किधर से गुजरता है और का उस, सा, उस अक्ष के सापेक्ष उसका जरूरत आगुन किस प्रकार होता है तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी होगी एक बार मैं रिविजन कर देना चाहता हूँ एक बार रिवीजन कर देना चाहता हूं बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा मान लेते हैं कि ये एक वलय है है कि नहीं इस वलय के सतह के लंबवत इस प्रकार जो अक्ष गुजरता है नहीं इस सतह के लंबवत गुजर रहा है आप लोग देख पा रहे देख पा रहे होंगे ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो इस अक्ष के पैता इसी को हम लोग जेड जेडेस अक्ष कहते हैं तो इस अक्ष के परिता, है इस वलय का जो तो आघूर्ण कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर होता है ये चीज अब हम लोग यही चीज स्पर्श रेखा के पिता हम लोग जो तो आगुन का मान निकाले बच्चों सॉरी पहले ब्यास के पिता निकाल लेते हैं ये इसका ब्यास हो गया है कि नहीं तो ब्यास के पिता इसका जो तो आगुन का मान आई डी इज इक्वल टू हमने क्या पाया एम आर स्क्वायर बाई टू पाया लेकिन फिर वही हम लोग इसके स्पर्श रेखा के पैता जो तो आगुन का मान निकाले जिसको हम लोग आई कहते हैं तो आई जो हम लोग निकालें बच्चों इसका मान कितना निकला है थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर निकल गया है बच्चों लेकिन अब वही यदि स्पर्श रेखा इसके लंबवत गुजरता है हम डॉटेड लाइन से हम लोग देंगे तो समझ जाइए कि नॉर्मल है है ना स्पर्श रेखा लंबवत गुजर रहा है तो ये आई होगा तो आई का मान हो जाएगा टू एम स्क्वायर तो देखिए हर अक्ष के पैता इसका जो तो आगुन का मान अलग अलग होता है ना तो इसको किस प्रकार हुआ कैसे

खोखला बेलन का होलो सिलेंडर है ना जिसको हम लोग कहते हैं एक सॉलिड सिलेंडर का जो तागुन का मान निकालेंगे है ना एक होलो स्पेयर का जो तागुन का मान निकालेंगे एक हम लोग सॉलिड स्पेयर का जो तागुन का मान निकालेंगे तो इतनी बड़ी लेसन के पीछे हम लोगों को विचार करनी है और इसका सबसे सटीक कारण है कि जब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगा तो ठीक है बच्चों आज हमारा वीडियो इतना ही तक रहेगा जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार हमारे वीडियो को निरंतर देखेंगे ठीक है बच्चों आप लोग हमेशा हंसते रहें खेलते रहें मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे चैनल को है ना आप लोग हमेशा देखते रहें लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहें ठीक है बच्चों आज आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स जय हिंद